किसान मित्रों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 28 सितंबर 2022 वार बुधवार, समय हुआ है अभी हाल फिलहाल किसान भाइयों 5 बजे हैं, वीडियो आपके पास आएगा 5:30 बजे तक। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, फाइनल भाव का वीडियो है। इंदौर की चोइत्रा मंडी, शाजापुर मंडी, पुणे मंडी, महाराष्ट्र की पुणे मंडी, महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी, महाराष्ट्र की नासिक की चांदवड़ मंडी, नासिक की देवला मंडी, तमिलनाडु की चेन्नई मंडी, आंध्र प्रदेश मंडी, कर्नाटक मंडी, किसान भाइयों पुणे मंडी, तमाम मंडियों में आलू प्याज लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है और तीनों जिनसों का क्या रेट निकल कर आया है इन सभी मंडियों में A to Z जानकारी किसान भाइयों सातों मंडी की आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक, किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर बिल्कुल करा करें किसान भाइयों, ताकि हम जो भी जानकारी आपको दें वो परफेक्ट जानकारी रहती है। और मैंने आज से करीबन ये मान के चलें कि 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें कहा था कि प्याज का भाव अगले 7 दिन में बढ़ेगा, बड़ा या नहीं। मैंने कहा था अगले 7 दिन में प्याज का भाव बढ़ेगा, बड़ा या नहीं, बिल्कुल बड़ा। मैंने कहा था कि अगले 7 दिन में 300 रुपये की प्याज में बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। जहां प्याज शाजापुर मंडी 900 साढ़े 900 चल रही थी, वहीं अभी शाजापुर मंडी 1250 पर आ चुकी है। 300 बड़ा है, फिर बता रहा हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ, फिर कहना मत कि बोला नहीं। और किसी दूसरे यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर है वो नहीं बताते, उसके पहले 2 दिन पहले ही जानकारी दे देता हूँ। आज फिर बता रहा हूँ किसान भाइयों, अगले आने वाले 5 दिन के अंदर अंदर शाजापुर मंडी 1500 रुपये पार होगी। शाजापुर मंडी में आज 1300 रुपये तक भाव चला गया है, 2-3 दिन के बाद में यही भाव बढ़ के 1500 तक चला जाएगा, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। इंदौर मंडी 1511 तक चली गई है, आने वाले 5 दिन के अंदर अंदर इंदौर मंडी 1800 रुपये पार हो सकती है किसान भाइयों। तो जितना जल्दी हो सके अपना अच्छी क्वालिटी का प्याज है वो भर लीजिए और निकाल दीजिए। खराब पड़े रहेगा, बिकता रहेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर प्याज है तो उसका पैसा अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का भाव मिल रहा है। ख़राब क्वालिटी का जो प्याज है उसमें भी तेज़ी है, लेकिन वो उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो वो सड़ रहा है तो उसको पहले निकालिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्याज आपने भर के रखा है तो उसे भी निकाल दीजिए। कहने का मतलब, सीधा तात्पर्य मेरा ये है कि आने वाले करीब करीब 15 दिन तक ये भाव रहेगा, 10 दिन तक तो पक्का भाव रहेगा ये, लेकिन 10 दिन बाद धीरे 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 उतरने लगेगा, फिर 10 दिन इसको उतरने में लगेंगे, तो टोटल मिला के 15 से 20 दिन, 20 अक्टूबर तक ये भाव रहेगा किसान भाइयों। 20 अक्टूबर के बाद में भाव नीचे रिवर्स आने की कोशिश वापस से चलेगी। तो प्याज में तेज़ी 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 किसान भाइयों, शाजापुर मंडी को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको शाजापुर मंडी की तरफ, फाइनल प्याज भाव की तरफ, फाइनल वीडियो है प्याज भाव का शाजापुर मंडी का। शाजापुर मंडी में आवक किसान भाइयों 15,000 प्याज के कट्टे की थी आज। बात कर लेते हैं लहसुन कट्टे किसान भाइयों, मात्र 2,000 कट्टे लहसुन किसान भाइयों 100 रुपये प्रति क्विंटल से लगाकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज है किसान भाइयों 50 रुपये से लगा के 100 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से खादू, 200 से 500 रुपये में गोल्टी, 500 से 700 रुपये में गोल्टा, 700 से किसान भाइयों 800 मीडियम, 800 से 900 रुपये मुक्कल प्याज, 900 से किसान भाइयों 1000 तक एक्स्ट्रा सुपर प्याज, 1000 से लगा के 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज बिका है किसान भाइयों शाजापुर मंडी में। किसान भाइयों 1100 से लगा के 1300 के बीच का रेट है शाजापुर मंडी का आज, लेकिन वो 2-4 10 लोड बिके हैं। एक्चुअल जो भाव है किसान भाइयों 1100 से 1150 तक का ही है। देखा किसान भाई लाइव वीडियो आपने। चलिए बात कर लेते हैं इंदौर की चोइत्रा मंडी की। इंदौर की चोइत्रा मंडी में बेलेस माल कल का प्याज का कट्टा था 10,000, आज किसान भाइयों 45,000 प्याज के कट्टे की आवक देखने को मिली है, टोटल हो गया 55,000। चलिए किसान भाइयों बात कर लेते हैं लहसुन की, 12,000 पैकेट, आलू 8,000 पैकेट। बात कर लेते हैं किसान भाइयों आलू के भाव से शुरुआत करते हैं। आलू किसान भाइयों ज्योति का गुल्ला 1,000 से लगा के 1500 रुपये तक, किसान भाइयों सुपर 6 और एटीएल 1500 से लगा के 1750 रुपये तक, किसान भाइयों सोना चिप्स और एलआर 1800 तक, किसान भाइयों ज्योति 1500 से लगा के 1800 रुपये तक, और अच्छी क्वालिटी का ज्योति 2000 तक, लॉकर किसान भाइयों 1500 से लगा के 2000। किसान भाइयों अचंभित करने वाला मामला एक इंदौर मंडी में सामने देखने को आया है। इंदौर मंडी में उत्तर प्रदेश का आलू 37.97 एक लोड 2000 रुपये के पार गया है किसान भाइयों, 2000 रुपये के पार।
ये बहुत बिल्कुल अचंभित करने वाली बात है किसान भाइयों। चलिए बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन किसान भाइयों, बारीक लहसुन 50 पैसे से लगा के 5 रुपये, मीडियम 5 से 10 रुपये, अच्छी क्वालिटी के 10 से 15 रुपये, 15 रुपये से लगा के 35 रुपये के बीच की जो लहसुन है किसान भाइयों जो बिक रही है, वो लहसुन है किसान भाइयों हमारी बिल्कुल A2 क्वालिटी की, A2 मतलब ऊटी लहसुन, G2 लहसुन यानी कि A1 क्वालिटी की जो लहसुन जिसे हम कह सकते हैं कि बम लहसुन, वो बिक रही है उस क्वालिटी में। बाकी जो हमारी 90% जो लहसुन जो बिक रही है वो किसान भाइयों 50 पैसे लगा के 15 रुपये प्रति किलो के अंदर अंदर बिक रही। चली बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज की अगर बात करें किसान भाइयों इंदौर की चोइथरा मंडी की, तो इंदौर की चोइथरा मंडी में तेज़ी है, तेज़ी है, तेज़ी है किसान भाइयों। इंदौर की चोइथरा मंडी में 50 रुपये से लगा के 150 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से खादू गया है, 200 से लगा के 500 रुपये, 550 और 600 रुपये अच्छी क्वालिटी गोल्टी, 600 रुपये से गोल्टी बिकी है, 600 से 800 में गोल्टा बिका है किसान भाइयों, 800 से लगा के 900 रुपये मीडियम प्याज, 900 से 1000 रुपये मुक्कल प्याज, 1000 से 1100 रुपये में एक्स्ट्रा सुपर प्याज, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज होता है जो हमारा बांग्लादेश जा रहा है, हमारा नेपाल जा रहा है, हमारा भूटान जा रहा है, हमारा इंडोनेशिया और सिंगापुर, इन देशों में जो प्याज जाता है इंदौर मंडी से जाता है किसान भाइयों, और वे 1100 से लगा के 1250 रुपये का इसका रेट निकल कर आया है किसान भाइयों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि 1200 से लगा के 1511 रुपये तक कितने लोड बिके हैं, तो 1200 रुपये से लगा के किसान भाइयों 1511 रुपये तक जो लोड गए वो करीब करीब ये मान के चलें कि 4 से 5 हज़ार कट्टे बिके हैं किसान भाइयों इस रेट में। पहले सिर्फ 100-200 कट्टे बिकते थे, लेकिन इस रेट में 1250 से लगा के 1511 रुपये प्रति क्विंटल तक का रेट है इंदौर की चोइथरा मंडी में प्याज का किसान भाइयों, और 5000 कट्टे बिके हैं इस रेट में किसान भाइयों। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेज़ी है, तेज़ी है, तेज़ी है। आज इंदौर में तेज़ी है 300 रुपये की, शाहजहाँपुर में तेज़ी है 300 रुपये की, आज से 5-6 दिन पहले ही बोल दिया था अगले 7 दिन में भाव में तेज़ी आने वाली है। और फिर भी अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर की तरफ जाएंगे, रुक करेंगे तो करिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है। मैं फिर बोल रहा हूँ आने वाला फिर 5 दिन में आपको 200 से 300 की तेज़ी और देखने को मिलेगी, अभी से लिख के रख लीजिए कितने की, 200 से 300 रुपये की तेज़ी आने वाले है 5 दिन के अंदर अंदर फिर देखने को मिलेगी। और फिर धीरे 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 करके अक्टूबर 15 अक्टूबर तक रेट रहेगा यही, 15 अक्टूबर के बाद ये धीरे धीरे भाव वापस से रिवर्स आना चालू होगा, या फिर विपरीत भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। 15 अक्टूबर के बाद या तो रिवर्स होगा भाव नीचे आएगा, या फिर 15 अक्टूबर के बाद भाव ऊपर भी जा सकता है। इसके दो कारण हैं और ये दो कारण मैं आपको कल या परसों वाले वीडियो में दूंगा, उसके लिए मुझे बहुत मंथन करना पड़ेगा, बहुत लोगों से फ़ोन लगा के बात करना पड़ेगी, एक्सपर्ट से, जितने भी एक्सपर्ट हैं बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं महाराष्ट्र में उनसे, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए किसान भाइयों आप देख लीजिए आप हमारा लाइव वीडियो इंदौर की चोइथरा मंडी का, इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। वो आ गए अच्छा
तो किसान भाइयों, देखा आपने लाइव वीडियो हमारे इंदौर की चोइथरा मंडी का, चलिए बात कर लेते हैं सोलापुर मंडी की। सोलापुर मंडी में आवक है किसान भाइयों देसी प्याज की 20 ट्रक की, नए प्याज की 10 ट्रक की, कि कहाँ 85 ट्रक की आवक होती थी वहीं 20 ट्रक की आवक है। नया प्याज बिक रहा है किसान भाइयों सोलापुर मंडी में 400 से लगा के 2000 प्रति क्विंटल, और देसी प्याज की जो गोल्टी है वो 400 से 800, गोल्टा है 1000 से 1300 रुपये किसान भाइयों। मीडियम प्याज है किसान भाइयों 1400 रुपये से लगा के 1600 रुपये प्रति क्विंटल, और मुक्कल प्याज बिक रहा है किसान भाइयों 1600 से लगा के 1700 रुपये प्रति क्विंटल। एक्स्ट्रा सुपर है किसान भाइयों 1700 से लगा के 1800 रुपये प्रति क्विंटल का रेट निकल कर आया है सोलापुर मंडी में। और अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्याज की। जो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज होता है किसान भाइयों, ये जाता है हमारा विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, दुबई, सिंगापुर, यूरोप, इंडोनेशिया, साउथ अमेरिका, साउथ अमीरात के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सोलापुर मंडी का प्याज जाता है किसान भाइयों। और वो प्याज का आज का रेट निकल कर आया है 1800 से 1900, और एक दो लोड 2000 से 2100 रुपये भी बिके हैं किसान भाइयों। काश ही 2100 रुपये का रेट हमारी शाहजहाँपुर मंडी में प्याज किसान भाइयों को मिल जाए तो मेरा जो जीवन है तृप्त हो जाए, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, और अगर 2000 से ऊपर का भाव मेरे किसान भाइयों को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे 50,000 सब्सक्राइबर तुरंत इकट्ठे होंगे। क्योंकि किसानों को क्या चाहिए बेचारों को, किसानों को फसल का दाम मिल जाए और क्या चाहिए भाई। किसानों को अगर फसल का दाम अच्छा मिलेगा तो हम यूट्यूबर भाइयों को भी वो कम से कम सब्सक्राइब करके जाएंगे। अभी हमने बोला था कि अगले 7 दिन में प्याज का भाव बढ़ने वाला, बढ़ गया। इस कारण से मेरे को मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर, 1000 फैमिली के सदस्य आज चाहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और कर ही देना सब्सक्राइब चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। चांदवाड़ मंडी की बात करेंगे किसान भाइयों, 1500 से लगा के 1730 का भाव है। देवला मंडी में 1300 से 1500 रुपये का, और नासिक की येवला मंडी में किसान भाइयों 1500 से लगा के 1750 रुपये का। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की बात कर लेते हैं, आवक की 55 ट्रक है, गोल्टी 400-700 रुपये, गोल्टा 700 से 1200 रुपये किसान भाइयों। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों मीडियम प्याज की 1300 से 1500 रुपये, मुक्कल प्याज 1600-1700 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 1800 से 1900 रुपये। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है किसान भाइयों तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में, वो 2000 रुपये से लगा के 2200 रुपये प्रति क्विंटल के रेट में निकल कर आया है किसान भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में जो आंध्र प्रदेश का नया प्याज आता है वो किस रेट का बिक रहा है। तो वो बिक रहा है किसान भाइयों 600 से लगा के 1400 रुपये प्रति क्विंटल। और कर्नाटक का किसान भाइयों जो प्याज आता है तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में, वो किस रेट में बिक रहा है नया प्याज, 800 से लगा के 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान भाइयों। कर्नाटक का जो प्याज आता है तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में, वो 800 से लगा के 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। एक जानकारी और दे दूँ मैं आपको, महाराष्ट्र और एमपी के प्याज से साउथ का प्याज बढ़ता है किसान भाइयों। आपको एक जानकारी मैं आज दे देता हूँ, बहुत शानदार प्याज रहता है उस साइड का। पुणे मंडी की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आवक है 30 ट्रक, जहाँ 80 से 85 ट्रक की आवक होती है वहाँ मात्र 30 ट्रक की आवक है। गोल्टी 500 से 700 रुपये, गोल्टा 800 से 1200 रुपये, मीडियम 1400 से 1500 रुपये, मुक्कल 1600 से 1700 रुपये। एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1700 से 1800 रुपये। और अब बात आती है किसान भाई, सॉरी एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1600-1700 रुपये। अब बात आती है किसान भाई एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्याज की, ये बिक रहा है 1800 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल में पुणे, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लगातार किसान भाइयों 3 महीने से भाव था 1400 रुपये से लगा के 1500 रुपये लास्ट, लेकिन आज भाव क्या है 1900 रुपये। कितना भाव बढ़ा है देखिए किसान भाइयों, हमारे यहाँ देखिए वहाँ 1500 से लगा के 1900 पे हुआ, यानी कि भाव बढ़ा है 400। हमारे यहाँ रेट था 1100 और बढ़ा है 1500, हमारे यहाँ रेट बढ़ा है 400 इंदौर मंडी में। और शाहजहाँपुर मंडी में रेट बढ़ा है 250 से 300, तो शाहजहाँपुर मंडी में 100 रुपये की कमी फिर भी है। शाहजहाँपुर मंडी में व्यापारी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है ना गफला करते हैं, इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा। एक बार समझाना क्या पड़ेगा, सब किसान भाई मिलकर समझा दो यार, और क्या उनको बोल दो कि यार धनताली कम करो, ये जो इंदौर मंडी जो भाव दे रही है उसी रेट में हम आपको प्याज देंगे, कम में क्यों दें, मात्र 10-20 रुपये का भाड़ा है यहाँ से इंदौर का, इतना कम में क्यों खरीद रहे हो आप। इस टाइप से थोड़ा आप भी दबा दिया करो, चलता है उसमें क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसान भाइयों देखा आपने हमारा ये पूरा वीडियो, कैसा लगा वीडियो आपको। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।